अल्लाह के महबूब फरमाते हैं हदीसे पाक है, तमाम अच्छाइयों को एक घर में इकट्ठा किया जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तमाम अच्छाइयों को एक घर में इकट्ठा किया जाए। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं उसका ताला नमाज है, उसकी चाबी वजू है। नबी पाक ने फरमाया तमाम बेहयाइयों को, तमाम बदकारियों को एक मुकाम में इकट्ठा किया जाए। आका फरमाते हैं जिना उसका ताला है और शराब उसकी चाबी। ये शराब की बात खत्म नहीं होगी, बहुत जलील होंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। मेरे महबूब ने फरमाया शराब पीने वाला रोजे मैशर अल्लाह उसका मुंह काला करेगा, उसकी जबान सीने पे लटक रही होगी, उसमें से खून और पीप निकल रही होगी, और अल्लाह रब्बे करीम इसको रहमत की निगाह से नहीं देखेगा। रसूल पाक ने फरमाया शराब पीने वाला 9000 साल तक जहन्नम में कैद किया जाएगा, 9000 साल तक जहन्नम में कैद किया जाएगा। मेरे प्यारे रसूल पाक फरमाते शराब पीने वाला फरियाद करेगा मैं पानी का सवाल करता हूं, अल्लाह फरमाएगा बिच्छू और सांप का जहर दो, वो कहेगा वही पिला दो पीता हूं। मेरे आका फरमाते इसको जहर का प्याला, सांप और बिच्छू की जहर का प्याला इसे दिया जाएगा, जैसे करीब करेगा उसके चेहरे की खाल और गोश्त पिघल के इस प्याले में गिर जाएगी, ये नहीं पी सकेगा। कई कहते हैं शराब तो हराम है, मैं तो भंग पीता हूं। सुन लो, मेरे महबूबे पाक ने फरमाया भंग पीने वाला जैसे अपनी माँ से 70 बार जिना करता है। हट जाओ, बाज आ जाओ,